जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं CRPF ट्रेडमेंट 2023 के बारे में। उसी के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है उसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में बात करेंगे, पूरी अच्छी तरह से बात करेंगे। जो बार बार एक ही बात को क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, कुछ सवाल लेके आएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, गलती क्या करते हैं, पहले तो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। आप वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, और उसमें जो मेन बात है वो देखते नहीं हैं, छोटी छोटी बातें देखकर और हमारे पास कमेंट करते हैं। तो जो भी बताते हैं उसे पहले सुनिए, उसके बाद नहीं समझ में आता तो मेरे पास कमेंट कीजिए ग्रुप में, या फिर मेरा पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ऐसे ही बिना वीडियो देखे और किसी और के बात सुनकर आप कमेंट करते हैं, तो ये ऐसा ना करें, बार बार आपको बोलता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो पहला प्रश्न जो आप कमेंट किए उसी के बारे में, वहाँ से ही लाया हूँ क्वेश्चन। सर, फोटो पे डेट डाल दिए हैं, नहीं डाले हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बताने से पहले एक बार हम बताना चाहता हूँ, जो भी मैं बात बताता हूँ अगर आपको विश्वास लगता है तो हम वीडियो देखें, नहीं तो नहीं देखें। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखें तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो नहीं देखिए, आपको बकवास लगता है। हम जो भी बताता हूँ वो सही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको झूठ बोल के आपको फंसाता हूँ। हमें जो बता रहा था तो ही बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। आप लोग बार बार पूछते हैं सर CRPF ट्रेडमेंट की बुक बताइए। अगर हमें बुक अगर सही में होता तो हमको कब क्या आपको बता, ऐसी एक आपको नॉर्मली बुक बता दूंगा कोई भी, आप उससे पढ़ नहीं पाइएगा, अगर उससे पढ़िएगा तो नंबर नहीं आएगी और तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसलिए हम नहीं बताता आपको, झूठ झूठ बोल के आपको फंसा दूँ, आप आगे जाके दिक्कत होगी। तो आपको अगर हमें कोई अगर बुक बताता है कि हाँ इस बुक से पढ़ लो तो नंबर आ जाएगी और पास हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो हमें ये नहीं बताना था, क्योंकि उससे पूछने वाला ही नहीं है, तो हम किस लिए आपको बता दें। तो जो भी बताऊंगा आपको सटीक बताता हूँ, बिना फेक नहीं बताता कि हाँ नॉर्मली ऐसे बता दिया और आगे जाके गलत हो गया, तो ऐसा हम बात नहीं बताता, जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ। तो बार बार क्वेश्चन आते हैं कि सर फोटो पे डेट नहीं डाला हूँ तो क्या फार्म रिजेक्ट हो जाएगा? कोई फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, अगर डाल भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं डाले हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं कि आप फोटो में डेट डालिएगा तो ही आपको होगा, ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दिया, तो दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सर ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा क्या? ये बार बार क्वेश्चन आती है। अब बार बार लोग कन्फ्यूज होते हैं, कोई बोलता है नहीं, कोई बोलता है हाँ। देखो, ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लेता है, अगर हमारी बात आपको विश्वास नहीं होता है ना तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं, वो भी स्टम्प पेपर पे। तो कोई भी ट्रेड का सर्टिफिकेट नहीं लगता, नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंटिफिकेशन में भी नहीं लगेगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम होगी, नॉर्मली आपकी एग्जाम होगी, और PT के टाइम में देखिए, PT के टाइम में अगर आपको बताऊंगा ऐसे तो PT में क्या क्या लगेगा उसका हम अलग से बताऊंगा, पहले एग्ज़ाम दे लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि आप परेशान हो जाइएगा, अभी पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है एग्ज़ाम की तैयारी करना, स्टडी करना, तो हम इसलिए ज़्यादा हमको बकवास नहीं बताता कि हाँ आप यूँ ही बता देंगे अभी आप परेशान हो, क्योंकि आपके पास टाइम मिलेगी, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अगर हमसे आप जुड़े रहते हैं हमेशा तो आपको हम बताते रहेंगे, हर चीज़ हर गाइडलाइन देंगे, आपको कहीं गलती नहीं होने के, भटकने नहीं देंगे, या हमारा आपको हम एक फौजी होने का आपको वादा कर सकता हूँ, या आप जो भी समझ सकता हूँ, हम झूठ नहीं बोलता आपको, आपके लिए क्या झूठ बोलकर आपको फंसा दें। तो आपको सही समय पे आपको बता दूंगा, गाइडलाइंस दे दूंगा कि हाँ आप जाइए आप ये काम कर लीजिए, कि कब क्या करना है सही समय पे बस कर लेनी है, अभी सही समय है तैयारी करना। जो बच्चे ना तैयारी कर रहे हैं अभी स्टडी मन से दिल से, जहाँ पर जहाँ कमियाँ उसे ढूंढ ढूंढ के दूर कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, उनकी रिजल्ट होगी, वो नौकरी पक्का करेंगे। जो यूँ ही इधर उधर की बातें सुन सुन के बस टाइम पास कर रहे हैं ना, इधर के वीडियो देखना और बस कन्फ्यूज हैं, तो वो कन्फ्यूज ही रहेंगे, एग्जाम भी हो जाएगा तब भी कन्फ्यूज रहेंगे, रनिंग हो जाएगा तब भी कन्फ्यूज रहेंगे, जॉब लग जाएगी तब भी कन्फ्यूज रहेंगे, उनके साथ थोड़ा जॉब लग जाएगा वो कन्फ्यूज ही रह जाएंगे। तो ये कन्फ्यूज नहीं रखें, मैं आपको बार बार बताता हूँ। अभी मेन मुद्दा है फार्म भर दिए हैं, पहले देखिए, पहले तो हमें चेक करना है कि हमें कौन सी वैकेंसी में कौन सा ट्रेड में हमको फार्म भरनी, वो पहले श्योर करना है। श्योर करने के बाद फार्म डाल देनी है, श्योर करने के बाद फार्म डालने के बाद फिर बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें डॉक्यूमेंट्स ये होगा, क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। हम बाकी हाँ कट ऑफ के बारे में पिछले साल का कट ऑफ देखना ये मायने रखते कि हमने स्टडी है, तो थोड़ा सा एक ना कट ऑफ के बारे में जैसे पिछले साल का जानने, इस साल का कितना जाएगा उसमें मतलब नहीं है। देखिए, अगर इस साल के कट ऑफ हम बता देंगे 70, कोई बता देगा 30, जैसे हमने बता दिया कि हाँ 30 जाएगा कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आपका नंबर आ रहा है 40, यहाँ क्या होगा, आप तो आपके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगी, मेरा नंबर तो 30 आ रहा है, कट ऑफ तो 30 गया था पिछले बार, अब तो 40 जाएगा, हमारा तो 40 नंबर आ रहा है, हमारा तो रिजल्ट कन्फर्म है,
ऐसा अंधविश्वास में मत रहें। कब कहाँ क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता, कोई भगवान नहीं है कि आपको बता रहा है कि जो कट ऑफ बताता है ना, हमने भी बताता हूँ कट ऑफ, तो एक अनुमानित बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर भी हम वो नहीं बताते, हम नहीं बोलता हूँ कि हाँ जो हम बोलते हैं वही कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ कम भी जा सकता है, आगे भी ज़्यादा भी जा सकता है। एक लमसम लेके चलते हैं लोग कि हाँ यहाँ तक कट ऑफ जाएगा, तो इस बात पे नहीं जाएं कि हाँ कट ऑफ हमको कितनी जाएगी, बट अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लेनी है, इतनी अच्छी कर लेनी है कि हमें सोचना नहीं है कि हमें रिजल्ट होगा और होगा ही, हमें ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि हमें रिजल्ट नहीं होगा। तो ये बार बार आपको बताता हूँ कि कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, बस सिर्फ हम एक वीडियो डालूंगा जो सिर्फ पिछले साल का कट ऑफ है, उसके बाद हम ऐसे आप लोग सवाल पूछते हैं उसकी वजह से हमको बताना पड़ता है, आपको कन्फ्यूज रहते हैं आप, तो जो बच्चे कन्फ्यूज हैं वो मतलब हमारी बात अगर वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपकी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो भी बताता हूँ आपको कन्फर्म बताता हूँ कि हाँ आप ये कीजिए, अगर हमारी जो बच्चे बात मार रहे होंगे ना, जो स्टूडेंट बात मार रहे होंगे, उनकी कन्फर्म रिजल्ट होगी, 100% होगी, वो मेरे पास मैसेज भी करेंगे, हमें विश्वास है कि वो मैसेज भी करेंगे और हमसे जहाँ तक CRP मानेंगे और मिलेंगे भी, और हम उनसे मिलूँगा फिर, हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी उस टाइम कि हाँ हमारे बताने का मतलब उन जो सिलेक्शन नहीं होंगे ना इधर उधर के जो कन्फ्यूज हैं, जिसे हमारी बातें सुने किसी और की वीडियो देखें वो फिर कन्फ्यूज हो गए क्योंकि कोई और कुछ बताएगा, कन्फ्यूज होने वो कन्फ्यूज रहेंगे, वो आगे जाके मतलब इतनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे वो खुद अफसोस करेंगे बाद में उनके अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी बात आपको ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आप जो करें, हम उसमें आपको करवा तो नहीं सकता ज़बरदस्ती कि हाँ आप ऐसे क्यों गलत क्यों कर रहे हो, गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो, बाकी आप अपनी खुद की मर्जी है, खुद का मतलब मालिक हैं, हम आपके मालिक नहीं हैं, बाकी फ़ौज में खुद का मालिक नहीं चलता, जी आपके सामने सीनियर है उसी के बाद चलती है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे ये जो क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं उसके बारे में, तो फोटो में अगर डेट नहीं डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म एडमिट कार्ड आ जाएगी, अपनी तैयारी पे कंटिन्यू रखें। सर ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ट्रेड का कोई भी ट्रेड, जैसे मोटर मैकेनिक से अगर फॉर्म भरते हैं तो ITI का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और ड्राइवर से फॉर्म डालते हैं तो आपको HMB होना ज़रूरी है, उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, बस जिस ट्रेड में आप फार्म डालते हैं उस ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपकी जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पे आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट में मतलब ट्रेड टेस्ट में जो प्रैक्टिकल होती है ना, जो आपको प्रैक्टिकल कुछ करवाने के लिए बोलेगा, जो ट्रेड है उस ट्रेड से काम करने के लिए बोलेगा, और मौखिक मतलब आपसे मौखिक क्वेश्चन जो होता है ना मुँह से पूछ लेना वो क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा आपको नहीं, 50 नंबर की ये पूछेगा, 50 नंबर की होगी ट्रेड टेस्ट, उसमें 20 नंबर लानी उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 20 नंबर लानी, उसके बाद कुछ नहीं, ट्रेड में पास है उसके बाद आपको सीधे मेरिट बनाएगी, मेडिकल होगा, मेडिकल और फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, जो 7 गुना ले जानी है, 7 गुना या 8 गुना है आपको जो फिजिकल के लिए और ट्रेड के लिए ले जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सर ड्राइवर में HMP कब का बना होना चाहिए? देखिए ये कभी ये नहीं बोला कि ड्राइवर में HMP कब तक कब का बना होना चाहिए, ये नहीं बताया, ये कब का है ये डेट नहीं दिया है, बस हमारे अगर माने तो आप अगर फॉर्म भरने से पहले का बना है वही फॉर्म अप्लाई करें ड्राइवर से, नहीं तो अन्यथा ना करें, बाद में अगर वो डेट चेक करने लगेगा कि हाँ पहले से नहीं बना हो तो फिर फॉर्म अप्लाई क्यों किए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बोला है हैवी लाइसेंस होनी चाहिए तो वहाँ पर डेट चेक होगा कि फॉर्म भरने से पहले का हैवी लाइसेंस हो तो ही फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना डालें, यानी कि हम फॉर्म डाल दिए बाद में HMP बना लिए, ऐसा ना करें, ऐसा करने से बाद में आप रिजेक्ट होने की चांसेस बनते हैं, ऐसे कहीं नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कि हमको कब का हैवी लाइसेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस वो हैवी लाइसेंस चाहिए उसको तो पहले का बना होना चाहिए, उसका कहने का मतलब ये है आपको पहले का बना होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने के बाद, ऐसा तो क्योंकि डेट जिसे हमें 18 हमें 10th पास चाहिए तो एग्ज़ाम देने के मतलब फॉर्म भरने से पहले ना पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए उसके बाद 10th पास हो जाएंगे तो भर देता हूँ फॉर्म, या ITI जो है जो ITI हम कर लेंगे इस साल हमको अप्लाई फॉर्म भरने रिजल्ट अभी आया ही नहीं है, तो ऐसे नहीं कर सकता ना कि आ जाएगा तब तक डॉक्यूमेंटिफिकेशन चेक होगा तब तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है, जब भी आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर लाइसेंस है तो ही डालें फॉर्म, नहीं तो नहीं डालें। ठीक है दोस्तों, हाँ एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आती है, सर दो बार फॉर्म डाल दें अलग अलग ट्रेड से, देखो एक ही रजिस्ट्रेशन पे दो फार्म ना डालें, आप फार्म दो जब डालें जब आपकी फार्म गलती हो जाए, बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि फार्म में सुधारने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, आपको एक बार फार्म डाल दिए हैं
सही डालें या गलत डालें, चेक होगा गलत डाले होंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर सही डाले हैं तो आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर गलत हो गया, बड़ी गलती हो गई, एक लड़का कमेंट किया था सर मैं फोटो के सिग्नेचर करने के जहाँ पे फोटो डाल दिया वो उल्टा डाल दिया था, तो जैसे उनकी कोई ऑप्शन बचती नहीं है तो वो अलग मोबाइल नंबर से अलग रजिस्ट्रेशन करके वो फिर से फॉर्म डाल दें, क्योंकि उनकी चांसेस है ना, ऐसे भी नहीं होगा फॉर्म रिजेक्ट हो रही है तो ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगी, कम से कम एक तो है ना, अगर नहीं होती है तो फॉर्म उनके एडमिट कार्ड आ जाएगी नए फॉर्म से। ऐसा नहीं कि हर एक लड़का भी ये काम करना चालू कर देंगे, दो दो तीन तीन फॉर्म डाल दें, ऐसा गलती ना करें। सिलेक्शन तो कोई एक ही में लेनी है, एक ही एग्ज़ाम देनी है, तो ऐसा गलती ना करें। जिनको गलती होती तो ही वो ऐसे जब बहुत लोग क्या है ना कि फॉर्म डाल दिए सफाई कर्मचारी से, बाद में उनको कुछ कुछ वीडियो देखे इधर उधर कंफ्यूज हो गए, वीडियो देखे और डाल दिए, फिर मन किया कि कुक में डाल देते हैं या फिर बिगुलर में डाल देते हैं। आप एक ही बार फॉर्म डालने से पहले कुछ तो डाल, जब डाले होंगे फॉर्म तो कुछ तो सोच के डाले होंगे ना, जब डाल दिए हैं तो बिल्कुल ना सोचें, अब बिल्कुल आप सोचें सिर्फ स्टडी के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में, अब फालतू नहीं सोचें कि हाँ कोई और ट्रेड डालता अब तो क्या होता। देखो ट्रेड में आपको पूरी लाइफ रहनी है, अगर आप ये सोच कर काम फॉर्म भर रहे हैं कि हमको पूरी लाइफ नहीं रहनी, हमें आगे मतलब प्रमोशन लेनी है, आगे हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो ट्रेड की वैकेंसी, ट्रेडमैन की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिलता है। जो जॉब करते हैं उनसे पूछे कि ट्रेडमैन की वैकेंसी में, ट्रेडमैन की ड्यूटी में टाइम मिलती है नहीं मिलती है, वो आपको पूरी बायोडाटा बता देंगे कहाँ कहाँ ड्यूटी है, कहाँ कहाँ अच्छी, कहीं कहीं देखो कहीं कहीं ऐसे ज़्यादा ऐसा जगह होता है ना ड्यूटी वहाँ पर टाइम की मिलना मुश्किल होती है थोड़ा, बट ट्रेडमैन जहाँ थोड़ा टाइम की मिलना कम, जहाँ ट्रेडमैन की थोड़ा कम टाइम मिलती है ना वहाँ रात को पूरा टाइम मिलता है, दिन को नहीं मिलता बट रात को फुल टाइम मिल जाती है, तो बस उतना ही और कुछ नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा। देखिए हर जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होती रहती है तो थोड़ा बहुत उतार, बट जीडी की तो हमेशा ऐसा रहता है स्थिति कि मतलब कह नहीं सकते, जीडी की तो ऐसा है नहीं कि कहीं आराम है, हमेशा ड्यूटी ही ड्यूटी रहती है। तो आगे बढ़ना है ना तो अभी अच्छा मेच्योरिटी है कि आप इसमें ट्रेडमैन में कोई भी ट्रेड में भरे हैं, भरने के सब ट्रेड अच्छा है, सब जॉब अच्छा है, अरे अभी से तो बेहतर है ना, जो अभी आप मतलब बेरोजगार हैं उससे बहुत बढ़िया, तो आपको जॉब लग जाएगी कोई भी ट्रेड हो, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको, डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलती रहती है, आरओ की वैकेंसी, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती रहती है सीआरपी में, सीआरपी में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी डायरेक्टली नहीं निकलती है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है हमेशा। तो ये आप न सोचें कि हाँ कि अब हम क्या करें, तो अरे जो भी वैकेंसी भर दी है बस अब बिना निसंकोच आप अपनी तैयारी, रिटर्न की तैयारी करें। ठीक है, ये बार बार ये कॉम्पेट नहीं कीजिए सर दो बार फॉर्म डालें, बिल्कुल नहीं, ये गलती दोबारा मत कीजिएगा, अगर आपको मर्जी है आप डाल सकते हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता, आपकी मर्जी, बट हमारा सलाह हम हमेशा यही बताएंगे आपको, हमें जिस सही लगेगा वही बताएंगे, गलत आपको नहीं बताएंगे, आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता तो अपने मर्जी से, जो किसी का बात जिसका बात सुनते हैं बिल्कुल, जो अच्छा लगता है आपको हमसे बेहतर सुझाव दे रहा है बता रहा है तो बिल्कुल उसका बात कीजिए, उसके बात मानिए, हमारा कोई मानने की जरूरत आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल दूंगा कि हमारा बात ही मानिए। ठीक है, और एक भाई कमेंट कल कर रहे थे लाइव में ना कि सर थोड़ा ज़ोर से बोलिए आवाज़ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना अगल बगल लोग रहते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है, जैसे रात का समय था तो सो रहे होंगे तो दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में बोलता हूँ। और क्या है, फॉर्म में गलती हो गई तो सुधारने का आपको मौका द्वारा नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म जब भी भरते हैं तो आराम से भरें, तसल्ली से भरें, गलती ना करें। बुक के बारे में बार बार पूछते रहते हैं, देखिए सीआरपी ट्रेडमैन की कोई बुक स्पेशल नहीं है कि हाँ इस बुक से पढ़ लीजिएगा तो आपको नंबर आ जाएगी या पास हो जाइएगा, कोई इसका स्पेशल बुक नहीं है, जो भी तैयारी करते हैं जो आपको जो सिलेबस है जो चैप्टर पढ़ने के बस उसी से पूछेगा क्वेश्चन, उसकी तैयारी करें, जहाँ कमियाँ होती है हमने वीडियो बना रखा हूँ कि किस तरह से तैयारी करनी है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको बार बार आपको गाइडलाइंस और मोटिवेट करते रहूँगा स्टडी के बारे में। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा अगर जाननी है तो वीडियो जाकर देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो आप लोग देखते नहीं हैं और बार मेरे पास कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो अगर आप कुछ काम करते करते ही देखा कीजिए, हम नहीं आप पढ़ने पढ़ाई छोड़कर आप बिना वीडियो देखिए, ये गलती ना करें, आप हम बार बार बोलता हूँ आप पढ़ाई पहले पढ़ाए और कोई काम जैसे नहाते हैं या फिर कुछ भी करते करते आप वीडियो देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड नहीं हो रही है वीडियो तो फिर आप कुछ काम करते करते देख लीजिए नॉर्मली, कहीं चलते चलते, तो मेन जानकारी लेनी है, ऐसा नहीं थोड़े कि आप पढ़ने के टाइम ही देखना है, ऐसा गलती ना करें, आप नॉर्मली कोई भी काम करते करते मेरा वीडियो देख लीजिए, बट मैं जो भी बोलता हूँ इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, आपको लाइफ में अभी नहीं समझ में आ रहा ना तो आगे जाके जैसे जैसे समय गुजरेगा ना तो ऐसे ऐसे लगेगा कि हाँ सर सही बता रहे थे, काश हम उस टाइम बात मान लेता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, ये गलती नहीं करते। ठीक है, अभी शायद लगता होगा कि मजाक कर रहे हैं या फिर बहुत लोगों को लगता है फेंकते हैं, बहुत कुछ सोचते होंगे मेरे बारे में,
तो उनकी उनकी सोच है, हम क्या कुछ नहीं कर सकता, बट हमें जो सही लगता है बस बताता हूँ, जो बात मानते हैं उन्हें सिलेक्शन पक्का होगा, ये हम इसकी गारंटी देता हूँ। वो दोस्त जो कमेंट भी करेंगे मेरे पास कि हाँ हमें सिलेक्शन हो गया सर, आपकी बात माने थे, बिल्कुल सही था, और जो धीरे धीरे आपको समझ आने लगे कि हम गलत बोल रहे हैं या सच बोलता हूँ। और बार बार कट ऑफ के बारे में, ना सोचें अभी, कट ऑफ के बारे में ना सोचे, अपने स्टडी के बारे में सोचे, हमें नंबर कैसे बढ़ानी है, हमने वीडियो में बनाया हूँ, वीडियो जो आकर जरूर देखिएगा, और मेरे यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में चैनल में जाकर, कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में जाकर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मेरे जुड़ जाइए। कोई भी ज़्यादा दिक्कत होती है आपसे पर्सनली बात करूँगा, कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप हमसे एक बार बात कर लीजिए, आपसे हम एक बार बात कर लूँगा, बट कमेंट करते रहिए, जो भी दिक्कत हो आपको मैसेज कर दूँगा, ठीक है दोस्त। और फिर कट ऑफ के बारे में जल्दी लाऊंगा, टाइम थोड़ा मिलना मुश्किल से, धीरे धीरे करके आपको हर स्टेट के कट ऑफ, जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उसका बताऊंगा, और पैरामेडिकल मेडिकल का रिजल्ट कब आएगी, वो लास्ट मई जून में आने वाली है, तो वो उसका कट ऑफ कितना गया था पिछले साल का, प्रयास करता हूँ, अगर मिलती है तो फिर हमको बताता हूँ, जो भी बताऊँगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल लाऊँगा, ऐसा नहीं कि आपको बस यूँ ही अपने मन से बता दिया, जो भी बताऊँगा प्रूफ के साथ, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ सब मेरे पास प्रूफ है, अगर चाहें तो हम दिखा सकता हूँ, ऐसा फेक नहीं बोलता, आपको धीरे धीरे आपको पता चलने लगा कि हाँ हम बोलता हूँ वो झूठ बोलता हूँ या सच बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, कट ऑफ वाला वीडियो में मिलता हूँ, फिर विदा लेते हैं, क्या कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।